I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अपने लौंडे के लिए रिश्ता मांगने आया था गीत का. रात के 2:30 बजे बैंड बजाता हूँ इसकी मैं. हाँ अरे कौन इतनी रात को फोन कर रहा है. हेलो हेलो जी प्रभु अरोड़ा बोल रहे हैं. बोल रहा अरे अरोड़ा साहब मैंने अभी अभी एक ताजा ताजा सपना देखा है. और सपने में पता है क्या देखा मैंने. मैंने देखा कि सब्जी मंडी में है ना एक पागल सा कैरेक्टर जो है वो तरबूज खाता हुआ घूम रहा है. मैंने पास जाके देखा तो पता चला कि ये तो मतलब पीके अरोड़ा है. अरोड़ा साहब मुझे है ना आप में लक्षण दिखाई दे रहे हैं पागलपन के. ऐसा करो किसी है ना अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ शायद पागलपन थोड़ा कम हो जाए. अच्छा रखता हूँ. किसका फोन है. क्या हुआ. पागल है. इतनी रात गए आप किससे बात कर रहे हो. अबे एक पागल से बात कर रहा था. पागल से. कहीं आप तो पागल नहीं हो गए हो. हे प्रभु. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. रिपोर्ट रेडी है मेरी. क्या नाम है पेशेंट का सर. गोपीचंद भल्ला. वेट फॉर अ मिनट प्लीज. हेलो हेलो. हाँ हेलो हेलो भाई आवाज नहीं आ रही है. हेलो हाँ 1 2 3 चेकअप चेकअप. हेलो ओ हेलो भाई आवाज क्यों नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई. तेरी आवाज तो आ रही है. पता नहीं क्या यार पागल लोगों से पाला पड़ रहा है. हाँ रेडी रिपोर्ट. या यस योर रिपोर्ट सर. लाइव जी धन्यवाद. थैंक यू थैंक यू. दोबारा ट्राई करता हूँ. एक नंबर का पागल. पीपीओ के यूरिक एसिड ओके कोलेस्ट्रॉल ओके शुगर शुगर 600. जुई मेरी शुगर 600 है. ए फुलन मेरी चाय में शक्कर डालना बंद कर देना. जी हाँ ओ, कल से आपको ओ, ना करेले का जूस पिलाऊंगी. है 600 600. हेलो हेलो. नहीं हेलो. 600 के ब्लड शुगर लेवल के बाद आदमी हिल जाता है. और तुम हेलो बोल रहे हो. नाम याद रखना प्रभु. गोपी ये आपकी रिपोर्ट कहाँ है. आपका तो पेशेंट का नाम देखिए ना. मिस्टर ठाकुर है. अरे ये तो मिस्टर ठाकुर लिखा हुआ है. हाँ. मतलब मेरी रिपोर्ट नहीं है. नहीं ये किसी और की रिपोर्ट है. हाँ. मतलब मेरे को शुगर है ही नहीं. बिल्कुल नहीं. एकदम नॉर्मल है. एब्सोल्युटली. अरे फुल्लन मेरी चाय में शक्कर डालना मत भूलना. क्या मस्ती सूझ रही है तेरे बाप को. क्या मस्ती सूझ रही है तेरे बाप को. हेलो नहीं हेलो. 600 शुगर लेवल रख के बंदा हिल जाता है और आप हेलो बोल रहे हैं. ऐसे बात करते हैं. अरे तो तेरे बाप पाने मेरे पापा को क्या बोला. क्या बोला. कि तू कपड़े फाड़ के फ्रूट मंडी में तरबूज खा रहा था. हाँ तो फिर हो गई ना बात खत्म. सुन जब हमारे बापों के दिल नहीं मिल सकते ना तो हमारे दिल भी नहीं मिल सकते. क्या फोन क्यों किया था मुझे. ड्यूएट गाना चाहता था मेरे साथ. जिना कोई शौक नहीं है तेरे से ड्यूएट सुनने का. जो तेरी दिमागी हालत पता करनी थी. ओह थैंक यू वेरी मच. एकदम ठीक है. और अब तू जा रहा है ना तो इट्स इवन बेटर. सुन हमारे रास्ते अलग अलग है वीर. हाँ तो यहाँ भी ऐसे ही है. तो फिर नंबर डिलीट कर देना मेरा अपने फोन से.
वाओ, ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। चलिए। इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, तभी तो तुम्हें साथ लाया हूँ। कम ये बेडरूम है मेरा। सॉरी अभी ये थोड़ा सूना सूना सा है, लेकिन शादी के बाद तुम जैसी रौनक चाहो इसमें ला सकती हो। देखो बली, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम बस शादी के लिए हाँ बोलो जल्दी। बली, मैं ना टिल्लू से 2 घंटे के लिए मिली थी, और उन 2 घंटों में ना मुझे ये एहसास हुआ कि टिल्लू ना मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर मैं उसे नहीं मिली ना तो वो मर जाएगा। देखो वो 3 बहनों का ना एक अकेला भाई है, और अपने माँ बाप और बेचारी बूढ़ी नानी का अकेला सहारा। अगर अगर उसे कुछ हो गया ना तो उसकी बेचारी माँ मर जाएगी, और अगर माँ मर गई तो उसकी बूढ़ी नानी वो भी गई, वो भी मर जाएगी। जबकि वो जी सकती है, हाँ उसके घुटने आंखें सब कुछ भले चंगे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। इनफैक्ट दूर से पहचान लेती है मुझे कि इसकी लाडो रिंकी आ रही है। बली, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई मीन तुम बहुत सॉर्टेड हो, और मुझे पता है कि तुम मुझे समझते हो। बली सुनो ना, इस जन्म के लिए कुछ एडजस्ट कर लो, बाकी 7 जन्म ना मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। हाँ तुम खुद जाओगी यहाँ से कि तुमको उठा के फेंको नीचे? वारे ऊपर वाले, क्या सोच की किस्मत लिखी होगी तुमने इसकी। पहले सुगंधा को अलग कर दिया और अब ये लड़की भी गई यहाँ से। 35 साल का बल्ली फिर कुंवारा रह गया। इसकी पैसे की तैसी। जा तू पानी लेकर आ। हेलो, कहाँ हो? 2 दिन से तो तुम गार्डन में भी नहीं आई। सब ठीक है ना? 2 दिन से तो मैंने तेरा चेहरा भी नहीं देखा। शक्ल देखना बहुत हो गया अब। अब बस अब करना है ना तो ब्याह करो, और अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो मैं और कोई लब लवा। शब्बो, अरे शब्बो गलता सुन। शब्बो हेलो, तू प्रभु बोल रहा है ना? जी जी बाबू जी। अरे उम्र तो हो गई है तेरी, और तू इतना बूढ़ा हो गया है कि काम की बातें भी भूलने लगा। अरे वीर दी शादी का की हो रहा है? हो रहा है बाबू जी, हो रहा है सब कुछ। अरे क्या हो रहा है, जल्दी करो अब तुम दो। ये जिंदगी कच्चा बनियान का कारोबार नहीं है, और भी कुछ है। बाबू जी मैं कच्चे बनियान का धंधा नहीं करता हूँ। अरे तू क्या करता है मुझे मत बताओ, जो करना है वही तू नहीं करता। हूँ अगर वीर दी शादी नहीं होगी तो मैं किमें करांगा? तेरी बात हुई क्या उससे? बोलती क्या है वो? ओए मैं तो कह रहा हूँ लड़की उठाओ, मंदिर ते फेरे लो, गुरुद्वारे च मत्था टेको, हो गई गल। अरे नहीं यार, और अगर दूसरा कोई ऑप्शन है तो देख लो फिर। मैं एग्री करता हूँ पम्मी के साथ, लड़कियों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, लौटना मुश्किल हो जाता है। एक नई लाया हूँ तेरे लिए। बल्ली पाजी क्या बात कर रहे हो यार आप? देख तो ले, शायद पसंद आ जाए। नहीं देखना मुझे, नहीं मुझे अपनी चौखट का चिराग जले ना जले, यारों का आशियां रोशन। तो जो बात है, अच्छा मैडम सब समझ रही मैं। रानी चौधरी नाम है मेरा, रानी चौधरी से कुछ चीत ना सकता। 70,000 का मामला है। रे रामपाल जी, मैडम अंदर जा, सारे लंडू को एक तरफ खड़ा कर दे, ठीक है जी मैडम। मैडम जी अब मैं जाऊं? अरे मैडम बैठो बैठो, मैडम को पानी पिलाओ। राशिदा पानी पी चुकी है ये,
तो फिर डंडा भी ला दो। जी मैडम। हाँ हेलो। ओ बाबड़ी पूछ, तू मानने नहीं के? रे कितनी बार बोल दिया मैं रानी मुखर्जी ना हूँ, मैं रानी चौधरी हूँ। ठंडा पियो। अरे भाई क्यों तंग कराया, मैं ड्यूटी पे हूँ, चल फोन रख। मैनेजर साहब अब बताइए, यहाँ पे 70,000 का मामला है, कंप्लेन दर्ज हो चुकी है और हमें पता लगाना है कि मुजरिम कौन है। आपके आसपास इतने सारे कैरेक्टर हैं, किसी पर शक आपको? मैडम क्या मैं आप कुछ बोल सकता हूँ? अरे रानी चौधरी यही तो चाहती है, आप मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। मैं मैडम आप बैठो, चिंता ना करो, राशिदा अंडा पी चुकी है मैडम ये। हाँ तो फिर आइसक्रीम खिला दो, कौन सा फ्लेवर खाओगी मैडम बता दो जरा। वनीला मैडम। अरे बाबड़ी पूछ, सुनता ना है क्या, यहाँ बहुत जरूरी काम चल रहा है, ड्यूटी पे हूँ मैं। अबे सर आइसक्रीम भी खा लो। यस सर। No, sir. क्या काम करना पड़ता है। ओके सर। ओके सर। रामपाल जी। मैडम अरे गलती से मिस्टेक हो गई है, वारदात कहीं और हुई है, दूसरे मॉल में, हम गलत मॉल में आ गए। राशिदा। जी मैडम। चलो। जी मैडम। मैनेजर साहब माफ कर दीजिएगा, गलती से चूक हो गई, सीरियसली ड्यूटी करते करते चुप हो ही जाती है कभी ना कभी, सॉरी हम ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। मैडम आप भी जा सकती हैं। अजी मैं तो अब आइसक्रीम खा के ही जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। चलो भाई चले रे, चलो चलो चलो, तलाश लो भाई, चलो रे। जिन जिन को बंटी ने पैसे दे रखे हैं सब तो निकाल लो, नहीं तो जेल की अवक खाओ। बंटी मने बेवकूफ बना के आ गया तू मॉल में और यहाँ मजे कर रहा है, 500 रुपए टिप दे रहा छोरों को, चल लेकर चला रहा है। रानी चौधरी ने बेवकूफ बना हुआ है। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से समझाता हूँ, एक शेरवानी और दो कुर्ते आप कैंसिल कर दीजिए जी, बाकी जैसा मैंने बोला था एज इट इज है। मगर ये शेरवानी तो दूल्हे के लिए है ना सर। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो आप कह रहे हैं कि दूल्हे की दोनों पगड़ियाँ कैंसिल कर दूँ? अरे दोनों पगड़ियाँ क्यों कैंसिल होंगी, एक पगड़ी कैंसिल होगी। मगर ये पगड़ी तो दूल्हे के लिए है ना सर। फिर वही बात, अरे ये पगड़ी मेरे भाई वीरे के लिए है जिसकी वेडिंग है, समझे? और तो अड्डी वेडिंग। देखिए तीन छड़े हैं, राहुल, सलमान भाई और मैं, और हमने आपस में डिसाइड किया है जिस दिन भी शादी करेंगे इकट्ठे करेंगे। अब समझ में आई बात, मेरी शादी की पड़ी है। चल। हाँ जी, जी। कपड़े भी हो गए। मेरी बात तो सुनो, आप तो मुझे पहचान ही ना रहे, मैं स्माइल भी कर रही फिर भी नहीं पहचान रहे। मैं किसी की तरफ एक बार स्माइल भी कर दूँ ना, कोई भूलता नहीं दुनिया में मुझे, रानी चौधरी नाम है मेरा। क्यों याद रखूं जी मैं आपको, आप कटरीना हो, कंगना हो, ऐश्वर्या हो, और अगर हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन वहां अपनी टीम से पहले पहुंच के अपना कांड करवा लिया, आज मॉल में कोई कांड किया होगा, ऐसे कौन याद रखेगा जी आपको? याद रखो उसे लड़कियों। एक रानी चौधरी आपसे इतने प्यार से बात कर रही है जी, आप तब भी अकड़ करके बढ़ रहे हो, मेरी भी तो कोई इज्जत है यहाँ, प्यार से भी बात कर सको ना आप, मां से थोड़ी सी तो कर सको ना बात। मेरी आज लगी पड़ी है, मुझे बख्श दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ यही बहुत बड़ी बात। ओ बल्ली बाजी। ओ सॉरी अगर कुछ गलत बोल गया, आप दिल लगा के ड्यूटी करो। हेलो सुनो, हमें हमारे वीरे के लिए ना लड़की जल्दी ही देखनी पड़ेगी। अरे डार्लिंग मैं फैक्ट्री से घर ही आ रहा हूँ, रास्ते में दो चार अच्छी लड़कियां मिली तो लेता आऊंगा, और अगर तुम्हें पसंद आए तो शगुन थमा देना हाथ में। ओए ये शादी का मामला है, कोई गाजर मूली खरीदने वाली बात नहीं है, अब कोई ढंकी पे मिलनी चाहिए ना। वो जिस तरह से तुम्हारे बाबूजी बात कर रहे थे ना, उससे तो ऐसे लग रहा था कि बस अभी अभी सहरा बांधकर खड़े हो जाएंगे, और ऊपर से कह रहे थे कि हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड? अच्छा अगर वो चले गए ना स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए, तब तो हमें हमारी वीरे की लड़की देखने के लिए मून पर ही जाना पड़ेगा। अरे सारे रिश्तेदारों में मजाक बन के रह जाएंगे। अच्छा ठीक है घर पे बात करें। चलो रखता हूँ। कायदे के बाद भी ये भगवान। मेरे घर में तो बहुत ही अलग माहौल है, मेरे चचेरे दादाजी वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। Can you believe it? He's 90 plus. हाँ और मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अपनी पहली करूँ। यार मम्मी ये सही बात है, कमाल है, रोज मुझे लड़कियों की फोटो दिखा देती हैं, कभी ये लड़की कभी वो लड़की, इसका भाई ये करता है उसका बाप वो करता है। मैंने कहा मम्मी जो भी आपको पसंद है ना उस लड़की से करा दे, मुझे कोई प्रॉब्लम। और क्या भाई मम्मी की बात तो माननी पड़ती है, मम्मी की बात तो हमेशा माननी पड़ती है, कोर्स माननी पड़ती है। सही है सही है, यहाँ पापा ने मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर दिया और तुझे मस्ती सूझ रही है। मेरी बात तो सुनो यार, तो पहली वाली जो है वो एकदम ऐश्वर्या है, उसकी आंखें एकदम नीली परफेक्ट बड़ी बड़ी आंखें, सिर्फ रंग मेरे से थोड़ा सा सांवला है, दैट्स ओके इट डजंट मैटर रंग में क्या रखा है। दूसरी वाली शी इज एग्जैक्टली लाइक कैटरीना। ओह
नहीं सच्ची अच्छा? दोनों को साथ में खड़ा कर दो ना तो किसी के बाप को ना पता चले असली कौन है। हाइट थोड़ी सी कम है बट दैट्स ओके, शी विल मैच विद माय हाइट, डजंट मैटर। नहीं एडजस्टिंग होना तो ऑब्वियसली राइट। कल मम्मी को बोला यार, मम्मी आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। रात को सोता हूँ ना, इधर करवट लू कतरीना, इधर करवट लू ऐश्वर्या। सुन ये जो तेरी कतरीना, करीना, ऐश्वर्या, नगीना, पसीना जो भी है ना, जिसके साथ जो गोल खिलाने हैं खिला ले, समझ गया? तेरे लिए एक ही बनी है, गीत भल्ला। जितनी जल्दी ये बात समझ में आएगी ना उतना बेहतर रहेगा तेरे लिए। बात समझ में आने के लिए आज काफी नहीं है? For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.